हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस। कैसे आप सब? आशा करता हूँ सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे और तैयारी अपनी ठीक तरह से कर रहे होंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पढ़ा और उसके स्ट्रक्चर्स को जाना, ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर्स को। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे और उसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और साथ ही मैं अगली क्लास में मेरे क्या होंगे उसके शेड्यूल भी मैं बताऊंगा। ठीक बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर टैप करें, जिससे कि हमारी कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और एक बार इसे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करें इसे, ठीक है, जिससे जिन्हें भी मतलब की प्रॉब्लम होगी, इंग्लिश की जरूरत होगी, वो आपके सहारे आकर के पढ़ सकेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टेंस को पढ़ेंगे, स्टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसके पहचान को हम लोग जान लेते हैं। क्या होते हैं इसके पहचान, इसके पहचानने के तरीके क्या है? ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसे याद रखेंगे कि ये जो है टाइम के साथ पहचाना जाता है। ठीक है, कि इस टेंस में आपको टाइम फैक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइम फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी आप किसी भी तरह के सेंटेंस बनाएंगे, किसी भी तरह का आपको सेंटेंस मिलेगा, उसके साथ टाइम जुटा होगा। ठीक है, तो आप पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। साथ ही इसके क्रिया के अंत में ता रहा है, ते रहे हैं और ती रही है, लगा रहेगा, या फिर सिंपली आपको रहा है, रहे हैं, रही है, लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि हम लोग इस विद्यालय में बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, या फिर बोलेगा पढ़ते रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह का आपको सेंटेंस मिलेगा इस टेंस में। अब इस टेंस को हम लोग बनाएंगे कैसे, तो इसके हम लोग रूल्स हैं, इसके रूल्स को भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसके रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बी प्लस वर्ब फोर, यानी कि इसमें हम लोग वर्ब फोर का यूज करेंगे, सॉरी आईएनजी फॉर्म। ठीक है, प्लस सिंस या फॉर का यूज करेंगे टाइम फैक्टर के लिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले यही जानेंगे कि ये जो सिंस फॉर है, ठीक है, तो ये सिंस फॉर को हम लोग कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, सिंस फॉर का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो इस तरह हम लोग पहले शुरू करते हैं। सिंस फॉर का यूज जान लेते हैं कि कहां पे इसको यूज करेंगे और इसे बनाएंगे। तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं नोट करके या फिर हेडिंग बना करके, आप लोग लिखे टाइटल दे करके, यूज ऑफ सिंस और फॉर। ठीक है, तो सिंस का यूज जो है हम लोग करते हैं, ये जो है आपका डेफिनेट टाइम बताता है, डेफिनेट टाइम के साथ, यानी हिंदी बोले तो इसे हम लोग निश्चित समय के साथ, जैसे कि जैसे एग्जांपल में लिखे तो सिंस मंडे हो गया। ठीक है, जैसे लिखे सिंस आपका डे का नाम हो गया, फिर महीने का नाम लिख ले, जैसे जनवरी हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे फिर ईयर का नाम बोले तो सिंस 2020 ऐसा हो गया। ठीक है, इस तरह के ये सब डेफिनेट जो है इसके साथ हम लोग यूज करते हैं सिंस और फोर, सिंस का यूज। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग फोर का यूज करते हैं। तो फोर का यूज किस तरह से करते हैं, तो फोर का यूज हम लोग
इनडेफिनिट टाइम के साथ करते हैं, यानी कि अनिश्चित समय के साथ। जैसे एग्जाम्पल हो चो, तो एग्जाम्पल इसका हो गया फोर मैनी डेज, या फिर फोर सेवरल डेज बोले इस तरह से। उसके बाद फिर जैसे बोले फोर मैनी मंथ्स या सेवरल मंथ्स, ऐसा बोले, ठीक है। फोर मैनी ईयर्स या सेवरल ईयर्स, ऐसा हम लोग बोले। तो इस तरह से हम लोग सिंस फोर का यूज करते हैं। सिंस फोर का यूज हम लोग सेंटेंस में करेंगे और सेंटेंस पे बनाएंगे। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, इसे मैं बना लेता हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। तो इसको बनाएंगे, जैसे कि हम लोग इस विद्यालय में बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का क्या होगा, वी, ठीक है। अब वी के साथ हमने आप लोगों को बताया था कि वी के साथ हम लोग हैव को यूज करते हैं, वी के साथ हैव को, क्योंकि वी जो है आपका सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन के साथ ही हम लोग सिर्फ हैज को यूज करते हैं, तो वी के साथ हैव। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर से जाएंगे बीन, ठीक है, वी हैव बीन। अब यहाँ पर हो गया आपका क्या, आपको भर्ब खोजना है, भर्ब इसमें ढूंढना है, तो भर्ब क्या है इसमें, पढ़ना है, ठीक है। तो भर्ब पढ़ना है, पढ़ना का हम लोग रीड, और उसके साथ हम लोगों को आईएनजी जोड़ देना है, वी हैव बीन रीडिंग। अब हमें देना है टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बहुत सालों से, तो यहाँ पे बहुत सालों का पहले आप इंग्लिश कर लेंगे, तो बहुत सालों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, मैनी ईयर्स। तो मैनी ईयर्स है, यानी कि ये इनडेफिनिट टाइम है, तो इनडेफिनिट टाइम इसके साथ हम लोगों को फोर लगाना, फोर मैनी ईयर्स, और लास्ट में ऑब्जेक्ट जोड़ना है, तो ऑब्जेक्ट इन दिस स्कूल। ऐसा इसको ऑब्जेक्ट को चाहे तो आप आगे भी कर सकते हैं, वी हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर मैनी ईयर, ऐसा भी लिख सकते हैं, इन दिस स्कूल। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, टाइम फैक्टर को लास्ट में कर सकते हैं, टाइम फैक्टर ऑब्जेक्ट के आगे पीछे आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे की स्ट्रक्चर्स जो होंगी उसे आप नोट करेंगे। जैसे कि हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसके लिए मैं रूल लिख दे रहा हूं। तो इसके लिए रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज या है प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब फॉर आईएनजी प्लस, ठीक उसी तरह फिर सिंस या फोर को आप पहले रखें ऑब्जेक्ट के या फिर बाद रखें, ठीक है। उसी तरह फिर हम लोग इंटरोगेटिव का, हमें जो है छह बेसिक रूट स्ट्रक्चर्स को हर सेंटेंस के साथ बनाना, हर टेंस में इसे यूज करना है, इस छह बेसिक रूट स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। अब इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा बच्चों, तो इंटरोगेटिव में हैज हैव आगे चला आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर बीन आ जाएगा, उसके बाद फिर वर्ब फोर आएगा आईएनजी, और फिर आपका फिर सिंस या फोर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क, फिर उसी तरह से डब्ल्यू एच वर्ड के रूल क्या हो जाएंगे, सॉरी डब्ल्यू एच वर्ड नहीं, पहले इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के रूल्स जो होंगे उसे लिखना है। तो हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट के बाद फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर नॉट को हमें ऐड करना है, नॉट के बाद फिर बीन, उसके बाद फिर वर्ब फॉर, और फिर आईएनजी फॉर्म जो है, फिर इसके बाद हमें सिंस या फोर को लिखना है, और फिर ऑब्जेक्ट को जोड़ करके क्वेश्चन मार्क देना, ठीक है। उसी तरह से फिर बच्चों हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड के स्ट्रक्चर लिखेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड के स्ट्रक्चर क्या होंगे, तो डब्ल्यू एच वर्ड के स्ट्रक्चर्स, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस
हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर आपके यहां पर बीइंग जोड़ दीजिए और फिर वर्ब फोर आईएनजी फॉर्म जो है उसके बाद फिर सिंसियर फोर जोड़ करके हमें ऑब्जेक्ट जोड़ देना है क्वेश्चन मार्क के साथ और फिर इसी तरह से हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड प्लस निगेटिव के स्ट्रक्चर्स देख लेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड के निगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन हो जाएगा बच्चों यहां पर, फिर हम वेर्ब फोर जोड़ देंगे, फिर यहां सिंस फोर, आप इसे सिंस फोर को शुरू में भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट के और लास्ट में भी रख सकते हैं मैंने जैसा बोला। ठीक है बच्चों, अब इस सेंटेंस को आप इस छह पे पुट करेंगे और इस छह पे पुट करके आप चाहे तो बना सकते हैं और जितने ज्यादा ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी, हमने पहले भी बोला था आप लोगों से। ठीक है, हम लोग इसे बनाते हैं एक सेंटेंस जैसा कि हमने इसे लिखा है, अभी हम इसे बनाते हैं एक एक करके और आप लोग एक्सरसाइज जितने ज्यादा एक्सरसाइज बनाएंगे जितने ज्यादा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए बेनिफिशियल है और कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं क्या समस्या आ रही है आप लोगों को। अब हम लोग एक एक करके सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमने लिखा था हम लोग इस विद्यालय में बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, तो इसका तो हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, अब इसका निगेटिव करें तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग इस विद्यालय में बहुत सालों से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से हम लोग इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्या हम लोग इस विद्यालय में बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन मार्क आप लोग भूलेंगे नहीं। फिर हम लोग आगे का सेंटेंस बनाएंगे, क्या हम लोग इस विद्यालय में बहुत सालों से नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसका फिर हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड बनाएंगे तो क्या होगा इसमें, जैसा कि हमने बताया था आपको पहले भी, हम लोग इस विद्यालय में उससे क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से हम लोग बनाएंगे इसका इंटरोगेटिव निगेटिव, हम लोग इस विद्यालय में बहुत सालों से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ये छह तरह के सेंटेंस है बच्चों, और ये छह तरह के सेंटेंस आपके बेसिक रूट सेंटेंस है, इसे आप हर टेंस में बनाएं और हर टेंस के लिए इस छह तरह के सेंटेंस को ही आप प्रैक्टिस करें तो आपके आपके किसी भी तरह के सेंटेंस छूटेंगे नहीं, बन जाएंगे, और आप जितने ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे आप उतने स्ट्रक्चर्स खुद से तैयार कर सकते हैं। आप जो भी सेंटेंस होंगे आपके नए नए सेंटेंस होंगे तो आप इसी बेसिक रूट स्ट्रक्चर से आगे के सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसे बनाते हैं अब एक एक करके। तो हमने जैसा कि इसका बना चुका है, क्या बनाया था, वी हैव बीन रीडिंग। ठीक है,
आप इसे हमने पहले भी कहा इन दिस स्कूल, आप इसे आगे भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऐसे इसे फोर के, या फिर लास्ट में रखें। और फिर यहां पर था बहुत सालों से है, तो फोर मैनी ईयर्स ऐसा लिखा था, ठीक है। अब हम लोग इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, वी हैव नॉट बीन ऐसा हो जाएगा, रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है बच्चों। उसी तरह से हम लोग इसका ये बनाएंगे इंटरोगेटिव, तो हैव हो जाएगा आगे, हैव वी बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। फिर इसका हम लोग निगेटिव बनाए तो ये हो जाएगा हैव वी नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर मैनी ईयर्स। आप लोग घर में आराम आराम से धीरे धीरे बनाएंगे, हम यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको बस आपको घर में खुद से काफी ज्यादा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, और एक बार में कोशिश करें कि आप 10-20 सेंटेंस जरूर बनाएं। एक सेंटेंस पे आप 6 सेंटेंस पुट करके बनाएं या फिर अलग अलग ही बनाएं, आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस पहले कोशिश करें बनाने की, ठीक है। आप में फिर धीरे धीरे स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाएगी, उसकी चिंता नहीं है, ठीक है। पहले आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है बच्चों, और ये काफी जरूरी है। हमने जैसा पहले भी कहा कि टेंस जो है पूरे ग्रामर का रूट है, आपको इसे अच्छे से सीखना है, ठीक है, ध्यानपूर्वक सीखना है। आपको इसके आगे आगे टेंस की काफी जगह ग्रामर में जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसलिए हमें इसे अच्छे से सीखना है, ठीक है बच्चों। अब इस चार तरह के सेंटेंस हमने बना लिया, अब बाकी के दो सेंटेंस बचे, ठीक है, तो इसे भी बनाते हैं। तो क्यों, क्यों का क्या होगा बच्चों, वाई, अब वाई के साथ फिर हम लोग जोड़ेंगे, हैव वी बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। अब फिर जैसा कि फिर इसके निगेटिव हो जाएंगे, वाई हैव वी नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आई होगी, और इस पे हम लोग कुछ सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपके पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। अब जैसे यहाँ पे तो फोर के यूज पे हमने सेंटेंस देखा, कुछ सिंस के यूज पे हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं, और सिंस पे सेंटेंस कैसे बनेंगे, सिंस का यूज कैसे हम लोग करेंगे सेंटेंस में, और कहाँ पर होगा हमने बता ही दिया है पहले आपको कि सिंस का यूज हम लोग डेफिनिट टाइम के लिए करते हैं, और फोर का यूज हम लोग इनडेफिनिट टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। यानी कि डेफिनिट टाइम मतलब निश्चित समय, और इनडेफिनिट टाइम अनिश्चित समय। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, उस पर कुछ सेंटेंस हम लोग देखिए, जैसा कि हम यहां पर लिखते हैं, जैसा कि कुछ एग्जांपल यहां पर है, हम लोग अगले सोमवार, सॉरी, हम लोग सोमवार हम लोग इस काम को हम लोग इस काम को
ऐसा लिखू, ठीक है। सुबह नौ बजे से कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वी हैव बीन, ठीक है। यहाँ तो ये दे दिया, उसके बाद फिर इस काम को हम लोग बाद में, पहले यहाँ पे करना वर्ब है, तो इसका हम लोग डूइंग, अब यहाँ पे इस काम को देंगे तो दिस वर्ब, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, सुबह नौ बजे से, तो सिंस नाइन ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, अगर ये हम लोग देते हैं तो दो टाइम को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सुबह को मिटा देते हैं, बस नौ बजे से रखते हैं, ठीक है। हम लोग यह काम को, इस काम को नौ बजे से कर रहे हैं, ठीक है। दो टाइम को हमने साथ में क्यों नहीं लिया, इसका भी हम कारण बताएंगे आपको आगे जा करके, ठीक है, कि क्यों दो टाइम को हमने एक साथ नहीं लिया, और लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के सेंटेंस, और भी कुछ सेंटेंस है, जैसे कि तुम सोमवार को पटना जा रहे हो, ठीक है बच्चों। आपको मैंने पहले ही बताया था इसके यूजेस में, कि हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस के अधिकतर सेंटेंस में हम लोग फ्यूचर के यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं, यानी कि फ्यूचर टेंस को हम लोग प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर टेंस के हम लोग प्लानिंग को जो है हम लोग प्रेजेंट में करते हैं, यानी कि भविष्य की योजना को बनाते हैं हम लोग प्रेजेंट में रह करके। तो यहाँ भी कुछ इस तरह से है, तुम लोग सोमवार को पटना जा रहे हो, तो यानी कि आप लोग भविष्य की प्लानिंग अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो यू हैव बीन, इसके साथ भी हैव लग जाएगा, यू हैव बीन गोइंग टू पटना सिंस मंडे, ऐसा हो जाएगा इसका सेंटेंस बच्चों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है बच्चों। तो अगर कहीं आपको समस्या आती है बनाने में, आप इस पे बनाए पहले, इसके सेंटेंस के, इसके स्ट्रक्चर्स, ट्रांसलेशन के स्ट्रक्चर्स को बनाए, और अगली क्लास में हम लोग जो है इस तीनों टेंस के, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद हमने बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर हमने बताया प्रेजेंट परफेक्ट, आज जो हमने बताया परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस तीनों टेंस के सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर, टेंस के यूजेस को पहले हम लोग देख लेंगे, तो इसके साथ में अगले क्लास में यूजेस देखेंगे, प्लस मिसेलिनियस सेंटेंस जो होंगे, ठीक है। मिसेलिनियस सेंटेंस यानी कि सभी के, यानी कि अभी तक हमने चार टेंस पढ़ा, तो चारों टेंस के जो मिसेलिनियस सेंटेंस होंगे, ठीक है, मैं 10 तरह के सेंटेंस यहाँ पे लिखूंगा और उसे हम लोग बनाएंगे। पहले हम लोग चारों टेंस को हम लोग मिला करके बनाएंगे, ठीक है, कि किस किस तरह के हम लोग के पास सेंटेंस आ सकते हैं बनाने को, ठीक है बच्चों। तो ये, और प्लस हम लोग कुछ अगले सेशन में, अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो भी आएगी, ठीक है, हम लोग इस पर कुछ वीडियो वर्ड्स भी देखेंगे, ठीक है, हम लोग कुछ नए नए वर्ड्स भी सीखेंगे, और वर्ड्स की क्लास जैसा कि हमने कहा था, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, मैं करूंगा, ठीक है, कराऊंगा आप लोगों को। तो हम लोग कुछ आगे की, इसमें कुछ वर्ड्स भी हम लोग लाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग साथ साथ इसके यूज को देखेंगे, मिसेलिनियस सेंटेंस देखेंगे और कुछ वर्ड्स देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आएगी मेरी, ठीक है। अगर पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और बिना सब्सक्राइब किए प्लीज ना जाएं, ठीक है, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर टैप करें बच्चों, ठीक है, और इसे फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें एक बार, ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।